चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान भूगोल में चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, जलवायु। ठीक है, बाकी सब चैप्टर समाप्त हो चुके हैं, उनके क्वेश्चन आंसर को भी आप लिख चुके हैं। अध्याय 4 है हमारा जलवायु। देखिए, पिछले 2 अध्यायों में जो है आपने भारत की स्थल वो जो स्थलाकृतियाँ हैं, आकृत और अफवाह के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक, तो किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये ही हैं। ठीक है, यानी कोई भी प्राकृतिक पर्यावरण है किसी भी क्षेत्र का, उसको हमको समझने, उसकी स्थिति, उसकी आकृति कैसी है। ठीक है, तो 2 तत्व जो है इसमें आप सीख चुके हैं। इस अध्याय में आप हम तीसरे आवश्यक तत्व अर्थात भारत की वायुमंडलीय अवस्था के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। भाई देखा होगा ना कि गर्मी है, चल रही इस समय भी गर्मी, के बाद में फिर जाड़ा आ जाएगा, बरसात है, बरसात के बाद जाड़ा, जाड़ा के बाद फिर वो आ जाता है। तो इसे ऋतु तो परिवर्तन होते रहते हैं, मतलब जलवायु बदलती है। ठीक, तो मई का महीना गर्म व असुविधाजनक क्यों होता है, क्वेश्चन होना भाई दिमाग में होता है। या जून तथा जुलाई में बारिश क्यों होती है, दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहने जाते हैं। ठीक, इन सभी प्रश्नों पर आप भारत की जलवायु के बारे में जानेंगे। ठीक, तो देखिए जलवायु का मतलब, जलवायु क्या है, देखिए जलवायु का मतलब ये होता है कि किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। ठीक, समझा रहा है कि मतलब किसी भी क्षेत्र में यानी लंबे समय तक जो वो मौसम होता है, उसकी जो स्थिति होती है, तो उसे उस स्थान की क्या कहते हैं, जलवायु। ठीक, और भारत की जो जलवायु है वो उस कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। सुना गया, देखिए आगे बढ़िए। इसमें एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि 30 वर्ष से ज़्यादा में मौसम की विविधताओं एवं अवस्थाओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम एक विशिष्ट समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम व जलवायु के तत्व जैसे पवन, आर्द्रता, वर्षा, तापमान एवं वायुमंडलीय दाब एक ही होते हैं। यदि आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में कई बार परिवर्तित हो जाती है, होती ही रहती। ठीक है, परंतु फिर भी कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म और ठंडे, हवादार या शांत, आसमान साफ एवं अथवा बादलों से घिरा हुआ, फिर या फिर आर्द्र या अथवा शुष्क हो सकता है। ठीक है, तो दिन मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी देखो गर्मी लग रही है, उसके बाद कहीं फिर ढक जाएगा, बारिश का मौसम बन जाएगा, फिर उधर थोड़ी भी हल्की फुल्की ठंडी लगने लगी, तो ये बदलते रहता है। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत व वर्षा ऋतु में बांटा गया है। ठीक, विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो हमारे देश की जो जलवायु है उसको मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण व दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी भारत की जलवायु व्यवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। ठीक है, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर एवं एक मौसम से दूसरे मौसम किस प्रकार की भिन्नता है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में जो होता है राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों तक लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तापमान। ठीक, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान जो होता है -45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, हो सकता है, समझा गया, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, समझे। तो ये कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर पाया जाता है। जैसे थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जबकि उसी रात या
नीचे गिर कर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और दूसरी ओर केरल था अंडमान निकोबार में दिन व रात तापमान लगभग बराबर ही रहते हैं। समझा गया कि नहीं यार? तो अब जैसे ये हो गया हमारा, जैसे आगे बात आती है कि मानसून शब्द जो होता है, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम, ठीक। और मानसून का अर्थ जो है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार बदलाव है, ठीक है। जैसे मौसम का मतलब कि किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्था को वहाँ का मौसम कहते हैं, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? तो आगे देखिए कि हिमालय में वर्षण अधिकांश हिम के रूप में होता है तथा देश के अन्य भागों में या वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय से 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख व पश्चिमी राजस्थान में या 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा जून से सितंबर तक होती है, ठीक है। और लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकांश अक्टूबर व नवंबर में होती है बारिश होती है। सामान्य तौर पर तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम पाया जाता है, जो कि देश के आंतरिक भाग में जो होता है हमारा आंतरिक भाग में जो होता है मौसमी व ऋतुनिष्ठ अंतर ज़्यादा होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा का मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की तरफ घटती चली जाती है। इस प्रकार की भिन्नताएँ लोगों के जीवन की विविधता लाती है, ठीक है, जो उनके भोजन वस्तुओं और घरों के प्रकार को देखने को मिलते हैं, ठीक। जैसे मतलब वहाँ पर अलग अलग टाइप के घर, जैसे राजस्थान में है घरों की दीवार मोटी और छत चपटी क्यों होती है, ये दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं। तराई क्षेत्र व गोवा मंगलुरु में ढाल वाली छतें क्यों होती हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो है आपको दिमाग में चलने चाहिए, इनका जो है आप आंसर आपको ढूंढना है, ठीक। आगे है जो वो है हमारा जलवायु नियंत्रण, यानी क्लाइमेटिक कंट्रोल जो है वो कैसे होता है, ठीक है। इस जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इसको पढ़िए और समझिए, और ये जो 3 क्वेश्चन हैं उनको लिखिए। थैंक यू।